पकड़ो पकड़ो। थोड़ी देर पहले भी तो उन्हें एक कबूतर पकड़ा है और अभी एक और आके बैठा है तो उसे भी पकड़ने लगा है। ये वाला हाँ जी। पकड़ लोगे ना? हाँ जी। तो पकड़ो, शाबाश। इसके साथ पकड़ लोगे? हाँ जी। दो बार के कबूतरों को इधर करने लगा। ये वाला कबूतर है जो अभी न्यू आके बैठा है, इसे पकड़ना था उड़ने। अगर ये पकड़ा गया ना तो आज हम लोगों ने दो कबूतर पकड़ लेने हैं। पहले वाला जब दौड़ने पकड़ा था ना तब मैं इधर नहीं था और अभी आया हूँ। ये लो पकड़ लो, जल्दी करो, पकड़ना भी है, हमें ड्रामे नहीं करते जाना। ये कौन सा हो रहा है? हमारा अपना है, फिर ठीक है, फिर ये आ जाएगा वापस। दौड़ गया है वो, देखें उस तरफ से पकड़ने लगा। कोई नहीं छिका लाते हैं न्यू, आज तो इसे पकड़ो ना ज़रा। होशियार ज्यादा उड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है, ध्यान से जरा। आ गया आ गया आ उड़ उड़ गया यार। इधर आ जाओ आ जाओ, आ जाएगा वापस। छुट्टी। अभी हमारे डक्स देखें, डक्स कितना एंजॉय कर रही हैं। इनके लिए बारिश का मौसम तो समझ लें कि मोजा है मोजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जय सावर, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज ना मौसम बहुत ही ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा मौसम खराब है, आप लोग देख सकते हैं इस वक्त। तो आज ना हम लोग दौद के सेटअप पे कलर करवा रहे हैं, बहुत ही गंदा लगता था सेटअप, अभी कलर हो गया तो इंशाल्लाह जल्दी बहुत ज्यादा प्यारा लगेगा। अब हम लोग इंशाल्लाह जल्दी इसको अपग्रेड कर रहे हैं। माशाल्लाह आप इधर चेक करें, इधर भी कलर हो गया, नीचे रेड कलर ऊपर ब्लैक कलर, ये चेक करें माशाल्लाह। अब कलर को बचाना पड़ेगा, पहले बीट करते थे ना दीवार के ऊपर बैठ के तो वो कोई बात नहीं, हम लोग धो लेते थे, लेकिन अब अगर बीट की ना सारा कलर गंदा होगा। सारे सेटअप पे कलर हो गया, चाचू कलर करके चले गए हैं, बाकी इस तरह का जो डिज़ाइन है ना वो इंशाल्लाह कल बनाएंगे। इधर ऊपर ऊपर ब्लैक होगा, नीचे रेड होगा इंशाल्लाह। बाकी आजकल ना चारा बिल्कुल नहीं है, खरगोशों के आगे दाने डाल डाल के हम लोग थक गए हैं, हमारे पास चारा नहीं है, हमने लगाया ही नहीं था। तो भाई मुबारक के पास पहले भी ज़्यादा खरगोश हैं, तो हम सोच रहे हैं कि सारे खरगोश इनको दे देते हैं, जब हमारा सेटअप बन जाएगा ना डेरे तो सारे खरगोश फिर वापस ले जाएंगे। मैंने सारे जीवा करके खा जाने। कोई बात नहीं। से लोगे? कितने खा गए? अरे खा जाएंगे, ये नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, ये मशरूम है छोटा सा। हमारे पास 30 से 35 खरगोश हो गए हैं, तो 30-35 खरगोश हम सफाई करते हैं फिर मेंगने, सफाई करते हैं फिर मेंगने, तो इधर पक्की जगह है तो इधर गंदा लगा था, तो इस वजह से ये भी आज के बाद नहीं डले करेगा। बच्चे भी बीठे करती है ना, ये भी गंदा आती है, ये भी उठवानी है ना आपने। तो फिर हमने ले जाए, लेकिन हमने वापस ले आने तकरीबन 10 दिन लगने हैं, हमारा सेटअप बनते डेरे 10 दिन की नहीं गारंटी है, 10 दिन बाद ये ना अगर पार्ट पूरी खा लेंगे, कोई खाने वाली नहीं है ना, नहीं तो मैं 10 दिन बाद दे ही देता आपको। नहीं ले जाएगा, लेके जानी है आपने तो 10 दिन आप रखें, बाद में दे देना। 10 दिन की नहीं, फिर पक्की जाएंगी। पक्की नहीं, हमने इतनी पाली है, इतनी सारे पालते हैं फिर ही बड़ी होती है। चले आधी ले ले, इससे आपने इतनी की है, मैंने इतनी बड़ी करनी है। नहीं तो ऐसा करते हैं, हाँ। आपके पास वो ऊपर ही वो जिनकी गर्दन लंबी होती है जराफ, आप ऐसा करें इधर से 3-4 ले जाएं तो हमें वो फिर दे देना, जब आपके वो अंडों में से निकलेंगे, बच्चे निकलेंगे। और एक बात बताऊं, मैंने वो भी रखा है, क्या उसका नाम है, मुझे पता है, टर्की बर्ड भी रखा है एक, वो भी रखा, मोर, मैं देख के आया था, मुझे पता है। तो अभी फिर ऐसा करते हैं, ले लें आपने जितनी लेनी है, फिर हम आपसे ले आएंगे।
नहीं मैं लेके जाऊँ फिर वापस नहीं करनी। वापस ना करना, हम आपसे दूसरी ले लेंगे वो गर्दन बिगड़न वाली। कितनी लेनी है बताएं? जितनी देनी है दे दो। आप बताएं जितनी की लेके जानी है। जितनी बड़ी बड़ी है वो दे दो। बड़ी बड़ी सारी बड़ी है। दूध पाओ दूध सही पाओ छापर में। हम बड़ी लेकर आएंगे इनसे। छत में ना इनकी परवरिश भी नहीं सही तरह हो सकी ना। हमसे ना हमसायों ने ली थी दो, हमसे पैसे दे के ली थी, तो उनकी फुल भरी हो गई हैं, हमारी छोटी छोटियाँ भी। पहले हम लोगों ने घर प्लान बनाया कि 30 से 35 खरगोश हो गए हैं, तो हम लोग इनको ज़िबा करके खा लेते हैं। फिर ये नहीं पता चलता कि कौन सी बच्चे देने वाली है कौन सी नहीं, फिर हम लोग तरस खा के इनको छोड़ देते हैं। तो इस तरह कर करके बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये फिर हम लोग भाई इम्बारक के पास भेज देंगे ना, तो जब सेटअप बनेंगे फिर वापस ले आएंगे। उस्ताद जी अगर आपने ये परिंदे लेके जाने तो वो भी ले जाएं, हैं? अगर आपने ये वाले परिंदे लेके जाने तो ये भी ले जाएं। पकड़ के बंद करें पिंजरे में मैं ले जाता हूं। नहीं इतना तो नहीं ना, हम लोग इतना हम आपको परिंदे देंगे। मैं उनको कैसे लेके जाऊंगा? वो आपने आपकी मर्जी है, हम लोग फ्री में दे रहे हैं, वापस भी ना करना। आप मैंने कहा आप मुझे बंद कर दें पिंजरे में, मैं ले जाता हूं। नहीं ना इस वक्त ना रात का टाइम है, हम लोग सियालकोट आए हुए हैं, तो सारे खरगोश और सारी डक्स ना और चाइना मुर्गी जो थी वो सारी भाई मुबारक को दे दी है। जब हमारा सेटअप बनेगा ना फिर हम लोग ले जाएंगे। अभी हमारे सेटअप पे जगह कम है, परिंदे जानवर ज्यादा हैं, तो इस वजह से ना हमसे केयर नहीं हो पा रही। डेरे में हम लोग बहुत बड़ा सेटअप बना रहे हैं, तो फिर इंशाल्लाह वहां रखेंगे सारे परिंदे। तो मैंने ना भाई मुबारक से वीडियो मंगवाई है आपको दिखाने के लिए, कि आप कहीं ये ना सोचें कि जहेब ने ऐसे निकाल दिए हैं। निकाला नहीं, उनकी तो मोजे हैं। आप जरा वीडियो में देखें, वो मोजे कर रहे हैं, तो जाके जैशियां कर रहे हैं। हमारे घर से ज्यादा खुशबू वहाँ है, वहाँ पर आजाद है। आप सबने वीडियो में देखा है कि भाई मुबारक के सेट पे जाके वो कितनी खुश है, उनके लिए स्विमिंग पूल है पूरा। तो वो इंशाल्लाह जल्दी बड़ी भी हो जाएंगी डक्स। बाकी खरगोशों की वीडियो अभी उन्होंने नहीं भेजी, तो इंशाल्लाह मैं जल्दी उनके सेटअप पे चक्कर लगाएंगे और आपको उधर जाकर उनके परिंदे भी दिखाएंगे और अपने खरगोश और अपने डक्स भी दिखाएंगे। तो यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। सब कुछ करने के बाद भी ना फाइनल काम होता है कलर। कलर करने वाला बंदा एक नंबर होना, तो फिर मैं कहता हूँ कि सेटअप और ज़्यादा प्यारा लगने लग जाता है। तो अभी इंशाल्लाह इसको थोड़ा सा और करना है कलर, वो लाल पट्टी और ब्लैक पट्टी करेंगे। फिर देखना आप कितना प्यारा लगेगा इंशाल्लाह। फिलहाल आज सबसे पहले ना कलर हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा लगता था यार। कलर हो गया, बाकी इसका दूसरा कोट बाद में लगवाएंगे। सारा जो एक दो काम रहता है ना वो ख़त्म करवाने के बाद दूसरा कोट लगवाएंगे, ताकि कलर फिर से न्यू हो जाए। तो फिलहाल चलते मीर ना इधर कलर कर रहे हैं।